अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है उमर एंड वेलकम टेक्नोमर्जी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनवीडिया क्वाड्रो के 620 जो कि एनवीडिया का 2GB का DDR3 वाला ग्राफिक कार्ड है वर्सेस AMD HD7570 जो कि AMD का 1GB का DDR5 वाला ग्राफिक कार्ड। और आज की वीडियो में आप इन दोनों ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, चाहे वो प्राइसेस के बारे में हो, GPU स्पेक्स से रिलेटेड हो या फिर गेमिंग परफॉर्मेंस हो। और शुक्रिया इन भाई का जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया दिया है। तो जानिए, अगर आप भी इनकी तरह मेरे सब्सक्राइबर हैं और आपको भी किसी ग्राफिक कार्ड के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और वीडियो के अंदर आपका नेम भी मेंशन करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप एनवीडिया क्वाड्रो K620 को OLX से बाय करना चाहते हैं तो OLX पे अभी इसकी जो प्राइसेस हैं कुछ लोकेशंस पे आपको ये 7000 रुपये का देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ लोकेशंस पे आपको ये 9500 रुपये का भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप AMD HD7570 को OLX से बाय करना चाहते हैं तो OLX पर अभी इसकी प्राइस 4500, 5000, 6000 और 6500 तक हैं। और अगर आप इन दोनों ग्राफिक कार्ड को दराज से बाय करना चाहते हैं तो दराज पे एनवीडिया क्वाड्रो के 620 की जो प्राइस है वो तकरीबन कोई 7500 तक है और डिलीवरी चार्जेस मिला के इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। और अगर आप AMD HD7570 दराज से बाय करना चाहते हैं तो दराज पे की अभी जो प्राइसेस हैं वो 4800 हैं और डिलीवरी चार्जेस मिला के 5000 से ऊपर भी हो सकते हैं, वो आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है। और अब बात करते हैं मार्केट की। तो मार्केट की बात की जाए तो एनवीडिया क्वाड्रो के 620 की अगर मार्केट प्राइस की बात की जाए तो उसकी प्राइस कोई 6000 से लेकर 6500 तक है और कुछ लोकेशन पे आपको मे बी शायद इससे ज़्यादा भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको इससे कम देखने को मिल रहा है तो बिना किसी इंतजार के ले लीजिएगा। और अगर आप AMD HD7570 की जो मार्केट प्राइस है वो 4500 और 5000 के अंडर आती है। चलिए अब बात करते हैं GPU स्पेक्स के बारे में। GPU स्पेक्स में आप इन दोनों ग्राफिक कार्ड की जो मेन स्पेक्स हैं उनको देख सकते हो। मैंने दोनों को लाइन वाइज लगा दिया ताकि आप इन दोनों को आराम से एक दूसरे से कंपेयर कर सको। यहाँ पर अगर आप चाहो तो वीडियो को स्लो भी कर सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो स्पेक्स तो आपने देख ली, चलिए अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। गेमिंग परफॉर्मेंस में सबसे पहले बात करते हैं Assassin's Creed Origins के बारे में। तो दोनों ग्राफिक कार्ड के ऊपर 720p लो सेटिंग्स K620 पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। वहीं पर अगर HD7570 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो ठीक ही रहने वाला है। और अगर रैम की बात की जाए तो रैम आपके पास 8GB होनी चाहिए और प्रोसेसर की बात की जाए तो i5 फर्स्ट जनरेशन में भी आप इसे बड़ी आराम से प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसके साथ थोड़ा सा गेम प्ले देख सकते हैं। इसी साथ बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की, तो वो निकल के आता है Battlefield 5। दोनों ग्राफिक कार्ड के ऊपर 720p लो सेटिंग्स पर आपको बहुत ही अच्छे FPS देखने को मिल जाते हैं और Battlefield 5 पर आपका जो एक्सपीरियंस है दोनों ग्राफिक कार्ड के ऊपर वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर रैम की बात की जाए तो रैम आपका 8GB होनी चाहिए और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो i5 फर्स्ट जनरेशन में भी आप इसे बड़ी आराम से प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा गेम प्ले देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की, तो वो निकल के आता है Cyberpunk 2077। क्वाड्रो के 620 पर 600p यानी 800x600 रेजोल्यूशन लो सेटिंग्स पर आपको ठीक ठाक FPS देखने को मिल जाते हैं। और वहीं पर अगर बात की जाए HD7570 की तो इस पर आप Cyberpunk 2077 को प्ले नहीं कर सकते क्योंकि इसके, और अगर रैम की बात की जाए तो रैम आपके पास 8GB होनी चाहिए, अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो i5 फर्स्ट जनरेशन में भी आप इसे प्ले कर सकते हैं। करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम, तो वो निकल के आता है Devil May Cry 5 जो कि बहुत ही कमाल की गेम है। और अगर आपने इस गेम को प्ले नहीं किया तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप इस गेम को जरूर प्ले करें। दोनों ग्राफिक कार्ड के ऊपर 720p लो सेटिंग्स पर आपको बहुत ही अच्छे FPS देखने को मिल जाते हैं और दोनों ग्राफिक कार्ड के ऊपर आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेएबल है। और अगर रैम की बात की जाए तो रैम आपका 6GB होनी चाहिए और प्रोसेसर की बात करें तो i3 फर्स्ट जनरेशन में भी आप इसे बड़ी आराम से प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा गेम प्ले देख सकते हैं। तो चलिए इसी साथ बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम, तो वो निकल के आता है Forza Horizon 4। क्वाड्रो के 620 पर 720p लो सेटिंग्स पर आपको काफ़ी प्लेएबल FPS देखने को मिल जाते हैं। और अगर बात की जाए HD7570 की तो इसके ड्राइवर जो हैं इस गेम को सपोर्ट नहीं करते। और अगर रैम की बात की जाए तो रैम आपके पास 8GB होनी चाहिए और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो i5 फर्स्ट जनरेशन में भी आप इसे बड़ी आराम से प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसका थोड़ा सा गेम प्ले देख सकते हैं।
तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं सबके दिलों की जान GTA 5 के बारे में। तो दोनों ग्राफिक कार्ड के ऊपर 1080p लो सेटिंग्स पर आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल के और प्लेएबल एफपीएस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर रैम की बात की जाए तो रैम आपके पास 4GB होनी चाहिए, और अगर प्रोसेसर की बात करें तो i3 फर्स्ट जनरेशन में भी आप इसे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा गेम प्ले देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की, तो वो निकल के आता है PUBG मोबाइल। दोनों का कार्ड के ऊपर 1080p मीडियम सेटिंग्स पर आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल के और प्लेएबल एपीएस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बस आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। और अगर रैम की बात की जाए तो रैम आपके पास 6GB होनी चाहिए, और प्रोसेसर की बात की जाए तो i3 फर्स्ट जनरेशन में भी आप इसे बड़ी आराम से प्ले कर सकते हैं। और PUBG को PC पर प्ले करने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है गेम लूप। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम, तो वो निकल के आता है RDR2 यानी रेड डेड रिडेम्पशन 2। क्वाड्रो के 620 पर 720p लो सेटिंग्स, वहीं पर HD 7570 पर 800x600 रेजोल्यूशन लो सेटिंग्स पर आपको ठीक ठाक FPS देखने को मिल जाते हैं। और अगर रैम की बात की जाए तो रैम आपके पास 8GB होनी चाहिए, और प्रोसेसर की बात करें तो i5 फर्स्ट जनरेशन में भी आप इसे बड़ी आराम से प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको लैग और स्टटरिंग भी फेस करनी पड़ सकती है, तो उससे बचने के लिए स्क्रीन पर जो लेफ्ट साइड पर जो वीडियो है इस पर क्लिक करो और जान लो। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।